निकालो। चलो अब एक साथ हमें ऊपर भी जाना है, एक साथ हमें अर्थ के नीचे भी जाना है। ये अर्थ है, यहाँ अर्थ के सेंटर से एक बार मुझे ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना भैया? 1 किलोमीटर। यहाँ जी की वैल्यू क्या मिली? यहाँ जी की वैल्यू G1 मिल गई। फिर अर्थ के सेंटर से भी नीचे जाना, कितना नीचे जाना है? डी नीचे जाना है। यहाँ भी जी की वैल्यू G1 है। तो ये कंडीशन ये कहता है कि जी की वैल्यू G1 एट ए हाइट पे और डेप्थ पे इक्वल है। यहाँ पर जी की वैल्यू और यहाँ पे जी की वैल्यू इक्वल है, तो डी की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखो अब ये एट हाइट इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है अर्थ की रेडियस के कंपेयर में। अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर है। ठीक है, और इसके कंपेयर में जो 1 किलोमीटर है वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये वाला फार्मूला जी इक्वल टू G1 - 2H/R वाला लगा दूंगा। ठीक है भाई, ऊपर जाने का दो फार्मूला है, एक छत के ऊपर चले गए, एक बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले गए, सबसे ऊपर। तो ये G = 1 - 2H/R = डेप्थ में जाओगे G = 1 - D/R। ये अब कितना ऊपर गए हो? 1 किलोमीटर ऊपर गए हो जी ने जी को, तो 1 - 2/R = 1 - D/R। तो 1 ने 1 को, माइनस ने माइनस को, आर ने आर को। ठीक है, तो D = 2 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओ और 2 किलोमीटर नीचे चले जाओ तो तुम्हारा वेट बराबर होगा, जी की वैल्यू सेम होगी। ठीक है ना, जी की वैल्यू 1 किलोमीटर ऊपर और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर पे जी की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, डबल होता है।